निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को फांसी से लटकाया जाना था, लेकिन दोषी पवन के पास 2 याचिका दायर करने के विकल्प होने के कारण इस बार भी दरिंदे फांसी से बच गए। लेकिन अब इन दोषियों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय ने अपने सभी विकल्प सोमवार तक पूरे कर लिए हैं और अब इनके पास फांसी से बचने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर 4th डेथ वारंट जारी करता है तो दोषियों को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले निर्भया के चारों दोषी अलग अलग समय पर अपने विकल्पों का प्रयोग करके 3 बार फांसी टलवा चुके हैं। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी से एक दिन पहले सोमवार को निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी थी। वहीं अक्षय सिंह और पवन गुप्ता की याचिका खारिज होने पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा था कि 2 दोषियों की दया याचिका बाकी है, ऐसे में दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि निर्भया के दोषियों के सारे विकल्प खत्म होने के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है और हम फांसी देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी पर लटकाने को लेकर दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। टीम खबर अपडेट।